आज हम सत्ता की शुरुआत एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जो आपसे, आपके परिवार से और सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आजकल देश में किसी आतंकी के पकड़े जाने को एक रूटीन खबर बताकर या तो हल्के में निकाल दिया जाता है या इग्नोर कर दिया जाता है। आप में से कई न्यूज मित्र भी यही सोचते होंगे, होता रहता है। लेकिन कभी सोचकर देखिए, अगर कोई आतंकी आपके घर के आसपास घूम रहा हो, कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा हो और आपको इसका अंदाजा तक ना हो, सोचिए क्या होगा तब। ऐसे ही एक आतंकी का नाम है फैजान शेख, जो बिल्कुल एक आम आदमी की तरह लोगों के बीच रह रहा था और आतंकी भेड़िया तकनीक से बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था और शायद कर भी देता, लेकिन उससे पहले ही एटीएस की टीम ने उसे पकड़ लिया। इसीलिए सबसे पहले हम इस खबर की शुरुआत इस आतंकी के बायोडेटा से करने जा रहे हैं। इस लोन वुल्फ आतंकी का नाम है फैजान शेख, मध्य प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार किया गया। इस आतंकी की उम्र है 34 वर्ष। अभी फैजान शेख आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था और एक ऐसे हमले की तैयारी कर रहा था जिसमें अगर उसे अपनी जान भी देनी होती तो वह पीछे नहीं हटता, यानी फैजान सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए तैयार हो चुका था। फैजान नाम के इस टेररिस्ट को मोबाइल पर आतंकियों के वीडियो देखना पसंद था, क्योंकि ऐसे वीडियो इसका जोश बढ़ाने का काम करते थे। इसका टारगेट था भारत के किसी शहर में लोन वुल्फ अटैक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान लेना। और आतंकी फैजान शेख जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौलाना मसूद अजहर और आतंकी अबू फैजल को अपना रोल मॉडल मानता था। मध्य प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गुरुवार को इसी 24 साल के फैजान शेख को गिरफ्तार किया, जो एक मोटर मैकेनिक बनकर खंडवा में छिपा हुआ था। लेकिन इस आतंकी की गिरफ्तारी का एक एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज भी TV9 के पास है। 2 मिनट 6 सेकंड का यह वीडियो उस वक्त का है जब एटीएस की टीम ने आतंकी फैजान के ठिकाने पर रेड की। पहले बाइक से एक पुलिस वाला उस घर के सामने रुका जहां आतंकी फैजान छिपा था। इसके बाद उसने इशारे से बाकी की टीम को बुलाया और इसके बाद सारे जवान इतने खामोशी से उस जगह पहुंचे कि इलाके में किसी को भनक तक नहीं लगी। फिर ऑपरेशन शुरू हुआ और फैजान शेख को एटीएस की टीम ने पकड़ लिया। लेकिन इस आतंकी के पास से जो सामान मिला उसकी लिस्ट आपको भी चौंका देगी। आतंकी फैजान शेख से कई जिहादी साहित्य बरामद किए गए और ये नफरती किताबें इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट और दूसरे आतंकी संगठनों से संबंधित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस फैजान के पास जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भी कई वीडियोस थे और उनमें कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जिनमें कंधार विमान अपहरण की कहानी का जिक्र है। इसके अलावा आतंकी फैजान शेख का दिल आतंकी मुल्ला उमर के लिए भी धड़क रहा था और इसे भी वो अपना रोल मॉडल मानता था। फैजान शेख के बाद पाकिस्तान के भी कई वीडियोस हैं जो मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंप से जुड़े हुए हैं, जो फैजान के अंदर आतंक वाले जोश को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो सामान आतंकी फैजान शेख के पास से मिला है उसमें सिमी संगठन के सदस्यता फॉर्म, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल और 5 कारतूस। लेकिन इस फैजान को आतंक का भेड़िया क्यों कहा जा रहा है, अब इसकी वजह पर गौर करना जरूरी है। खुलासा हुआ है कि फैजान शेख देश में एक बहुत बड़े लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा था। यह अटैक क्या होता है, किस तरह किया जाता है, यह जानने से पहले सुनिए इस आतंकी के रेडार पर क्या क्या था। पहला टारगेट भीड़ वाले इलाके, यानी मैक्सिमम इंपैक्ट, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर बाजार जहां लोगों की भीड़ रहती है। इसके अलावा फैजान पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी अपना टारगेट बनाने वाला था, यानी इस अटैक से वो अपना नाम हर तरफ चाहता था कि गूंजे। सेना के अधिकारी और जवान भी फैजान शेख की लिस्ट में थे, यानी कि वो सीधे सीधे मैसेजिंग पाकिस्तान को देने की कोशिश में था। तो और फैजान शेख सुरक्षा बलों के परिवार को भी नुकसान पहुंचाने वाला था और एटीएस का दावा है कि वो कई लोगों की रेकी भी कर चुका था, यानी ब्लैकमेलिंग का लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन आप सभी न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि आखिर यह लोन वुल्फ अटैक होता क्या है और कैसे किया जाता है।
इसे समझने के लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो फ्रांस के शहर नीज का है, जहां जुलाई 2016 में एक हमला हुआ था। तब इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने एक ट्रक से लोगों की भीड़ को बेरहमी से कुचल दिया था और इस हमले में 86 लोगों की मौत हो गई थी, 86। ये एक लोन वुल्फ अटैक था और आतंकी फैजान भी भारत में ऐसे ही हमले की तैयारी कर रहा था। दरअसल लोन वुल्फ शब्द का उपयोग सबसे पहले उन भेड़ियों के लिए किया गया था जो अकेले शिकार करते थे, क्योंकि आपने अपने झुंड से अलग रहकर, क्योंकि भेड़ियों के लिए कहते हैं कि दे ऑलवेज हंट इन अ पैक, लेकिन लोन वुल्फ अकेले शिकार करते थे। 19वीं शताब्दी के साहित्य में और वन्य जीवों पर लिखे गए लेखों में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिर में इसका अर्थ आतंकवाद से ज्यादा जोड़कर देखा जाने लगा। यह शब्द आतंक की संदर्भ में तब इस्तेमाल हुआ जब कुछ आतंकवादी अपराधी संगठनों से अलग होकर अकेले हमले करने लगे, जैसे एक भेड़िया शारीरिक रूप से शक्तिशाली और रणनीतिक शिकारी होता है जिसमें अकेले शिकार करने की क्षमता होती है। इसी प्रकार लोन वुल्फ हमलावर भी अकेले हमले करने की योजना बनाता है और बिना किसी बाहरी सहायता के इसे अंजाम देता है। ऐसे हमलों की पहचान करना और उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमलावर अकेले काम करता है, उसके बारे में कोई कनेक्शंस, कोई नेटवर्क, कोई उसकी अगर कहा जाए चेन नहीं होती, इसीलिए उसकी हर योजना गुप्त होती। आतंकी फैजान को लेकर एक और बड़ी बात सामने आई है। फैजान के मोबाइल में मुजाहिदीन के इतने वीडियो थे जिससे शायद उसकी मेमोरी भी फुल हो गई होगी। फैजान के भाई ने TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कई बड़े खुलासे किए हैं। जानकारी के मुताबिक फैजान व्हाट्सएप पर आतंकियों के वीडियोज पोस्ट करता था। आतंकी फैजान शेख व्हाट्सएप पर AK-47 चलाने के वीडियोज देखता था। फैजान अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आतंकियों की तस्वीरें और उनकी तकरीर लगाता था। साथ ही फैजान पाकिस्तान के आतंकी कैंप के वीडियो शेयर करता था और सोशल मीडिया पर अपना नेटवर्क फैलाने के लिए पूरी जी जान से जुटा हुआ था और अपने साथ कई नौजवानों को भी जोड़ रहा था। फैजान शेख के भाई ने हमें क्या क्या बताया, सबसे पहले ये सुनिए। सब स्टेटस की बात हो रही है कि AK-47 के स्टेटस लगाना, कहीं अलग अलग इस्लामिक जो ISIS के वीडियो लगाना, ये सब वीडियोज भी वो लगाता था अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर सोशल मीडिया। हाँ सर, ये लगाता था वो, उसको हीरो बनने का बहुत शौक था सर। वो काम में, दुकान के काम में, पढ़ाई में, तो वो नाम नहीं कमा पाया, तो उसको किसी तरह फेमस होना था। क्योंकि आप अगर उनकी ATS की वीडियो देखोगे कि उनके साथ में हंसता हुआ गया, ऐसा लगा जैसे उसका कई बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। ये कि वो अबू सलेम और यासीन भटकल जैसा बनना चाहता था, वो थे उसके आइडियल हीरो। हाँ सर, हर किसी का एक आइडियल हीरो होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूँ, तो मेरा सलमान खान से कोई कनेक्शन है क्या? अगर मैं अकेला सड़क पे घूमता हूँ बोलूँगा कि मैं सलमान खान को चाहता हूँ, तो कोई मुझे नोटिस नहीं करेगा, कोई भी नहीं नोटिस करेगा। हाँ, अगर मैं एक डिफरेंट पर्सन का नाम लूँगा और उसको अपने साथ जोड़ूँगा, तो सर मेरे घर मीडिया भी आएगी, पुलिस भी आएगी और मैं बराबर मेरा नाम कमा लूँगा। जो ATS कह रही है कि वो लोन वुल्फ अटैक, यानी कि एक अकेला आदमी ही, उसे ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती, वो अकेला ही हमला कर सकता है, उसकी फिराक में था। देखिए सर, ये बात मैंने बोला हूँ आपको, उसने किया नहीं है, उसने फेमस होने के लिए सारी चीज़ों को गढ़ा है। जो खंडवा से ही गिरफ्तार हुआ था, जिसे कलकत्ता ATS लेकर गई है, जेल में बंद है रकीब, उससे भी मिलने गया था ये फैजान? हाँ सर, गया था। क्यों गया था सर? वो उसका दोस्त था, साथ में उठते बैठते थे। आपका भाई किसी वजह से जेल में चला जाएगा तो आप मिलने नहीं जाओगे क्या, भले वो कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो? भाई का कहना है कि उसने किया नहीं था, लेकिन फेमस होने के लिए वो ये सब कर रहा था। ये है भारत की इंटेलिजेंस की तारीफ, जो एक जमाने में वेस्टर्न इंटेलिजेंस होती थी, कुछ चीज होने से पहले ही उसे खत्म कर देना। अंग्रेजी में कहते हैं इसे निपिंग द बड। फैजान को लेकर पुलिस की ओर से एक और बड़ा दावा किया गया है। हम आपको आतंकी फैजान के 5 हीरो दिखाते हैं, आप देखिए जरा जिनसे वो प्रेरणा लेता था। बस फर्क यह है कि इसके रोल मॉडल्स भी कुख्यात और आतंकी चेहरे हैं। सोचिए जरा, पहला नाम जैश ए मोहम्मद का चीफ और भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर, याद होगा आपको, IC-814, जिसके फैजान वीडियो देखता था, उसकी तकरीरें सुनता था। दूसरा नाम मुल्ला उमर का नाम है,
आतंकी फैजान शेख की फेवरेट टेररिस्ट लिस्ट में यह भी शामिल था मुल्ला उमर। आपको याद होगा मुल्ला उमर जो कि तालिबान, जो कि ओसामा बिन लादेन का साथी। फैजान शेख के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल बनने की बहुत तमन्ना थी। याद होगा यासीन भटकल का ऑपरेशन जो एक जमाने में नेपाल से काफी चलता था। आतंकी अबू सलेम को भी फैजान शेख अपना प्रेरणा स्रोत मानता था। सोचिए अबू सलेम। इसके अलावा आतंक का ये शेख सिमी सरगना अबू फैजान की तरह एक बड़ा आतंकी बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन आतंक की दुनिया में उड़ने वाले फैजान शेख के अरमानों के पंख एटीएस ने काट दिए। मध्य प्रदेश एटीएस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल मध्य प्रदेश एटीएस ने खंडवा से आतंकी फैजान को गिरफ्तार किया है और आतंकी फैजान के मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो एटीएस अधिकारियों की हत्या करना चाहता था। ।2009 में खंडवा में इसी जगह पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एटीएस के जवान शहीद सीताराम यादव की सिमी के आतंकियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसका कारण भी यही था कि सीताराम यादव, चूंकि वो खंडवा के रहने वाले थे, सिमी के नेटवर्क को बड़े बारीकी से वो समझते थे, लगातार धरपकड़ चल रही थी, उनके पास काफ़ी जानकारियां थी और यही चीज़ सिमी के आतंकियों को सही नहीं लगी। वो परेशान होने लगे, बौखला गए और उसके बाद सीताराम यादव की सरेआम हत्या कर दी गई। ये लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था और सबसे इसमें सनसनीखेज कहा जा सकता बात ये था कि ये सुरक्षा बल के जवान एवं उनके परिजनों की निगरानी एवं रेकी कर रहा था और कोई इस तरह का वारदात करना चाह रहा था जिससे कि एक जो स्टेट है उसको वो चैलेंज कर सके, सुरक्षा के तंत्र पे अटैक करना चाह रहा था। से भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। इसके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर लश्कर ए तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। जो जो भी बड़े नेटवर्क है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उससे भी जानकारी जुटाई जाए और जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया गया है इसके बाद न जाने कितने लोन वुल्फ अटैकों को रोकने की कोशिश की गई, अटैक को रोकने की कोशिश की गई है, न जाने कितने लोन वुल्फ समाप्त कर दिए गए। लेकिन अब उनकी बात करते हैं जो सबके सामने एक अलग रूप में आते हैं और आंखों में धूल झोंक कर न जाने कितने लोगों की मौत को अंजाम देने के पीछे इनका हाथ हो सकता है, बल्कि होता है। वर्डिक्ट तो हम दे नहीं रहे लेकिन खबर आप देखिए। बदन पर सफेद वस्त्र, आंखों में अलग अलग रंग के चश्मे, कलाई पर चमचमाती घड़ी, पैरों में चमकते जूते, सूट, बूट और टाई, समझ गए ना आप। ये हाथरस के उस बाबा की पहचान है जो चमत्कार का ढोंग करता था। कभी उसके चमत्कार वाले दावों को देखने के लिए लाखों लोग आते थे और वो पूरे कॉन्फिडेंस से बाबागिरी वाली सत्ता चलाता था, लेकिन वक्त का पहिया अचानक घूम जाता है। आज पुलिस को हाथरस के बाबा नारायण साकार हरि की तलाश है। जो किस्मत बदलने की बात करता था वो आज खुद भाग रहा। इस मामले में नया अपडेट यह है कि बाबा नारायण हरि के सेवादार ने मान लिया है कि सत्संग में पूरे इंतजाम नहीं थे। इसके अलावा बाबा के अर्थशास्त्र का पता चला है।
भक्तों से सीक्रेट तरीके से करोड़ों रुपए का दान लेने का फॉर्मूला मिला है। भक्तों से दान में ली हुई जमीनों पर कई आलीशान आश्रम खड़े कर दिए गए। रातों रात ट्रस्ट का नाम मानव सेवा आश्रम से बदलकर श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट रखा। और उसकी गाड़ियों के काफिले पर भी हमारे पास एक वीडियो रिपोर्ट है जिसमें बाबा बिना नंबर की गाड़ी में सवार होता था। देख रहे हैं ना आप चमत्कार में कैसी चुंबकीय शक्ति होती है। इंसान प्रवचन सुनने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, त्वरित सफलता के लिए खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं और साथ में खिंचा चला आता है वो धन, वो पैसा जो लोगों ने जीवन भर अपनी मेहनत से कमाया। यूपी के उन शहरों में आपको लेकर चलेंगे जहां कुटिल बाबा की 5-स्टार कुटिया है। यहां हर वो सामान है, हर वो सुविधा है जिसके बारे में जानकर आप एक बार जरूर सोचेंगे कि ये बाबा है या कुछ और। कानपुर के बिधनू स्थित करसुई गांव में 8 बीघा जमीन पर बाबा का आश्रम है जिसमें किले जैसा दरवाजा है, सेवादारों की फौज है। इसी तर्ज पर भक्तों की दान की हुई जमीनों पर कई आलीशान आश्रम है। इसके अलावा कासगंज का पटियाली आश्रम, मैनपुरी में आश्रम, संबल में प्रवास कुटिया, नोएडा सेक्टर 87 में भव्य आश्रम, मतलब ये सिर्फ नाम का भोला था। इसमें भोलापन न्यूनतम था, कुटिलता अधिकतम थी। इसे आप एक और खुलासे से समझ सकते हैं कि भोले बाबा के ट्रस्ट का नाम पहले मानव सेवा आश्रम था। साल 2023 तक ट्रस्ट के जरिए जमीनें हथियाने का खेल चलता था, फिर इसने रातों रात ट्रस्ट का नाम बदल दिया और नया नाम श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट रख दिया। बाबा के अर्थ तंत्र और आश्रम की लंबी कहानी है। यह एक लंबा जाल है जो कई शहरों तक फैला है। नारायण साकार हरि और भोले बाबा चर्चाओं में हैं। इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि बाबा का कितना बड़ा साम्राज्य है। तमाम बातें की जा रही, तमाम दावे किए जा रहे हैं। नारायण साकार हरि धाम पर किसी प्रकार का धन दौलत चंदा चढ़ावा नहीं लिया जाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर दान नहीं लिया जाता, चंदा नहीं लिया जाता, कोई ऐसी दुकानें भी नहीं, कॉमर्शियल एक्टिविटी भी नहीं होती, तो ये जो पूरा आश्रम है ये चलता कैसे है। ट्रस्ट जो है ये बनाई हुई है, श्री नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट बनी हुई है। इस ट्रस्ट को कौन लोग चलाते हैं जरा उनसे भी तारुफ करा देते हैं। आप ये देखिए, सुनिए, जरा दिखाइए, ये पूरे एक मेंबर्स की जो है 49 लोगों की यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन लोग जो हैं वो यहाँ पर चलाते हैं। और इनसे इनमें से एक हैं राजपाल सिंह यादव, ये हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि आखिर जो बाबा का अर्थतंत्र है वो कैसे चलता है। फैला हुआ है, इसका मेंटेनेंस होता हुआ कैसे होता है। मैंने इसके अलावा हमारे पास यानी उनकी पैतृक जमीन है जो कम से कम भी 22-23 बीघा के करीब भोले बाबा की जी। अच्छा, उसमें हम आप जो यहाँ रहते हैं ना सभी उसमें मेहनत करके 3-3 फसल पैदा करते हैं। ये गेट बना है तो इसकी भी व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ दोनों साइड पर जिन महापुरुषों ने इसकी व्यवस्था की है उनके नाम लेते हैं सर। ये अपने आप आए हैं और अपने आप ये गेट बनवाया है, ये बरेली कमेटी से बना हुआ है। गाड़ियाँ जो है ना जैसे आप किसी की इच्छा हुई महापुरुष की तो नहीं, कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है ना परमानेंट उन्हीं में चलते हैं वो, तो गाड़ी उनके नाम पे है, ट्रस्ट के नाम पे है या किसी और की सेवादार की है? गाड़ियाँ उनके नाम पे कोई भी नहीं है। अच्छा, जमीन किसी ने दान दी उसी तरीके से महापुरुषों ने जिसमें जिनके नाम है ना उन्होंने उस जमीन को लेके अपना काम किया। नहीं नहीं, जमीन आप लोगों ने ट्रस्ट के पैसे से खरीदी है कि लोगों ने दान दी? जी नहीं, वो भी उन्होंने ही दी है, वैसे भी दी है बस। ही आपके पास
चंदा कहां से आता था, ये एक बड़ा सवाल है। और बाबा ने अपने इस विश्व आश्रम के बाहर जो लिस्ट लगाई आप देख सकते हैं कि इसमें 200 लोगों के नाम तो लिखे जा चुके हैं और जिन 200 लोगों ने दान दिया था उनमें सबसे ज्यादा कम रकम 10,000 रुपए की है, यानी कि 10,000 के नीचे जिन्होंने भी पैसा दान दिया उनका नाम यहां नहीं रखा गया है। और बाबा के जो भक्त थे वो मैनपुरी में तो थे ही थे, इसके अलावा आसपास के इलाकों की बात की जाए तो उनके अलावा दूर दूर तक बाबा के भक्त थे। नीचे देख रहे हैं आप क्या बना हुआ है, इस आदमी के हाथ में चुंबक है, वो हॉर्सशू मैग्नेट जिसे कहते हैं। ये कैसा चुंबक है यही तो हम आपको बता रहे हैं। मंगलवार को हाथरस में जब लाशें गिर रही थीं, जब सत्संग शमशान में तब्दील हो रहा था, बाबा की धूल के पीछे जिंदगियां खत्म हो रही थीं, सांसें टूट रही थीं, कहा जा रहा है कि उस वक्त मानव धर्म और जीवन मरण का प्रवचन देने वाला पाखंडी बाबा साकार वहीं पर मौजूद था। एक तरफ लोगों के प्राण जा रहे थे और दूसरी तरफ किसी भी वक्त प्रलय लाने का दावा करने वाला बाबा तबाही का तमाशा देख रहा था। हालांकि बाबा के सेवादार इसे साजिश बता रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि लापरवाही की वजह से 121 लोगों की मौत हुई। अब आपको बाबा का वो रोड रूट दिखाते हैं जिसमें उनका काफिला है, बिना नंबर वाली गाड़ी है। सवाल यह है कि पिछले 100 घंटे के ज्यादा वक्त से बाबा कहां पर है, इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने ये पाया कि बाबा मैनपुरी की तरफ बढ़ रहा है और लगभग हाथरस के फुलरई से 40 किलोमीटर आगे जो ये टोल पड़ता है, हम उसके सीसीटीवी स्ट्रांग रूम में मौजूद हैं। और ये बड़ी सी स्क्रीन देखिए, सबसे पहले इस स्क्रीन पे मैं आपको वो तारीख दिखाऊंगा, मेरे कैमरा पर्सन अमित आपको दिखाएंगे, 2 तारीख 7वां महीना 2024 मंगलवार का दिन और 1:59। ये सीसीटीवी आप देखेंगे कि 1:40 पर वो फुलरई से निकलता है और 1:59 पर इस हाईवे से इस टोल के पहले पड़ने वाले फ्लाईओवर को क्रॉस करता है। भैया जरा प्ले करिए और अब हम आपको उसका काफिला दिखाएंगे। ये काफिले की पहली गाड़ी है, अब इसके बाद लगभग 12 गाड़ियां साथ में दिखेंगी और पर्दे वाली गाड़ी बाबा की है, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, कोई ये बता पाने में सक्षम नहीं है कि बाबा को जमीन निकल गई या आसमान निकल गया। बाबा मैनपुरी गया, लखनऊ गया, अयोध्या गया, कहां गया किसी को नहीं पता है, लेकिन हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा हाथरस से निकलने के बाद मैनपुरी के रास्ते में गया है। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर देखेंगे आप, ये 2 जुलाई की फुटेज है जिसमें 2:09 पर ये टोल प्लाजा, हासूपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है, आसपुर टोल प्लाजा जो पड़ता है उसको क्रॉस कर रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें बाबा सवार होकर वहां से निकला था। इसी गाड़ी के बारे में, इसकी टाइमिंग के बारे में झूठ बोला गया और ये कहा कि घटना के दिन वो घटना से कई घंटे पहले निकल गया था। लेकिन इस गाड़ी की तस्वीर देखिए, बस अब आप रोक दीजिए, XUV 700 बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी, इसी गाड़ी में पीछे बाबा सवार है और हमें वो तस्वीर, ये ड्राइवर है, ये वो महिला जो मंच पर उसके साथ नजर आती है और पीछे की सीट पर वो बाबा नजर आ रहा है, नजर नहीं आएगा आपको, जो बैठा हुआ है। इसी गाड़ी में सवार होकर बाबा फरार हुआ था। थोड़ा सा पीछे करिए, टोल को क्रॉस करते हुए गया है जी, यहाँ होटर बजाते हुए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं उसमें टोल नहीं लगा उसका। हाँ जी, हाँ जी, होटर बताते हुए निकलती है गाड़ियाँ कि मैम टोल नहीं लगे जी। हाँ जी, वीवीआईपी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बाबाओं का ऑडिट होना चाहिए? ये भी ऑडिट होना चाहिए कि न जाने कितने ऐसे बाबा हैं, और ये ऑडिट सरकार बाद में करेगी, पहले आपको करना जरूरी है। अब इस खबर का नजरिया 9, जिसका फोकस इस बात पर है कि भारत के सारे बाबा ढोंगी नहीं हैं। आपको असली आध्यात्मिक गुरु और ढोंगी बाबाओं के बीच फर्क करना होगा, एक लकीर खींचनी होगी। जिस तरह अमेरिका आविष्कार और रक्षा शक्ति की सुपर पावर है, चीन मैन्युफैक्चरिंग की सुपर पावर है, ठीक उसी तरह भारत को सदियों से आध्यात्म और चिंतन का पावर हाउस माना जाता है। भारत ऋषि मुनियों का देश है, गुरुओं, अवतारों
तीर्थकरों का देश है। भारत में अध्यात्म जीवन का प्रधान तत्व है। यहां दौर कोई भी रहा हो, अलग अलग सिद्ध बाबाओं और गुरुओं ने न सिर्फ समाज को बल्कि विश्व को नई राह दिखाई है। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग जैसे दिग्गजों, अमेरिका के दिग्गज कारोबारी भी भारतीय बाबाओं से जीवन का ज्ञान ले चुके हैं। लेकिन यह भी सच है कि मौजूदा युग घोर कलयुग है। इस युग में आध्यात्म में भी मिलावट है। हाथरस का नारायण हरि साकार तो सिर्फ एक नाम है। ऐसे देश में बड़ी संख्या में चमत्कार के चुंबक से प्राण खींचने वाले नकली बाबा भरे हुए हैं। ऐसे में आपको यह सोचकर चलना होगा कि आप अपने विश्वास की शक्ति किसी आध्यात्मिक गुरु को दे रहे हैं या किसी ढोंगी को। इसका पता लगाने वाली कोई मशीन नहीं होती। इसका पता आपको अपनी बुद्धि और विवेक से ही लगाना होगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो गॉडमैन और फ्रॉडमैन का फर्क समझ में आ जाएगा। सवाल यही है कि ऐसे नकली बाबाओं से देश और समाज को कौन बचाएगा? क्या सरकार और नेता की जिम्मेदारी नहीं है? सोचिए जरा, आखिर कब तक ऐसे ही चमत्कार और चरणों की धूल के चक्कर में मौत की भगदड़ होती रहेगी और लोगों की जान जाती रहेगी। हालांकि हाथरस हादसे में एक तरफ सरकार फुल एक्शन में, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी हाथरस को लेकर एक्शन मोड में है। राहुल गांधी आज हाथरस हादसे से के पीड़ित परिवार से मिलने गए। आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुबह 7 बजे अलीगढ़ के पिलखना गांव पहुंचे। हाथरस हादसे में यहां की रहने वाली मंजू देवी और उनके बेटे पंकज की मौत हुई थी। इस मुलाकात के दौरान मंजू देवी की बेटी राहुल गांधी को देखते ही रोने लगी। राहुल ने उसे संभाला, कहा कि हम आपके साथ हैं। इस दौरान पीड़ित परिवार के कई सदस्य राहुल गांधी से लिपट कर रोने लगे। अलीगढ़ में राहुल गांधी 1 घंटे तक रहे और यहां हाथरस हादसे के 3 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 9 बजे राहुल गांधी हाथरस पहुंचे। यहां ग्रीन पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। हाथरस में जमीन पर बैठकर राहुल गांधी ने लोगों से संवाद किया। राहुल गांधी हाथरस में 1/2 घंटे रहे। अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवार दुख में है, प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पुलिस के इंतजाम कम थे, प्रशासन के स्तर पर गड़बड़ी हुई है। अब इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पता लगाना चाहिए और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात, उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी, उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं। राहुल जी आपसे मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है? राहुल भैया कह रहे हैं सरकार तो कोई मदद मिली मिल के अभी तो कुछ नहीं मिला भैया। हाँ। तो लोग के देखो हम भी करते हैं और करवाएंगे, हमारी सरकार तो नहीं मगर फिर भी आपके लिए हम मदद करेंगे। राहुल जी ने क्या बोला? उन्होंने मदद करने की बोला है हमसे कि हम जो भी हो सकेगा, वो कहते हैं कभी मेरी सरकार तो नहीं है लेकिन मुझसे जो भी हो सकेगा मैं संसद में इस बात का उठाऊंगा, जितना वो दे रहे हैं उससे ज्यादा कहने की कहूंगा और जो भी मदद हो सकेगी मैं करूंगा अपनी तरफ से। दो घरों में राहुल गांधी ने जाके मुलाकात की और तीसरे घर के परिजनों को वहां पर बुलाया था लेकिन तीसरे घर पर नहीं गए। इस बात को लेकर कुछ लोग नाराज नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका, क्यों नाराज हैं? मेरा नाम मोहित कुमार है। हाँ। वो हमारे यहाँ राहुल गांधी सर को आना चाहिए था, मिलना चाहिए था परिवार से भी, पर लेकिन क्या हमको वहाँ पर बुला लिया, भाई को हमसे नहीं मिले। ये वैसे कोई नाराजगी नहीं है, उसे आना चाहिए था, हमसे मिलना चाहिए। दुख है इस बात का। हाँ सर। कार्रवाई होनी चाहिए बाबा पे। कार्रवाई करो बावन पर। अच्छा ये बताइए कि राहुल आपसे मिले, क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं बात करके गए हैं, वो बस यही बोले हैं जो कुछ मिल रहा है उसको बढ़वा देंगे। तो उससे लगता है आपको इंसाफ मिल जाएगा? अब ये तो वो जाने। अब जरा लोगों को इन तस्वीरों को देखकर सोचना चाहिए कि वो बाबा है कहां और कहीं वो खुद ऐसे बाबाओं के चक्कर में तो नहीं है। पुलिस ने हाथरस हादसे को लेकर जांच तेज कर दी।
भोले बाबा और सूरजपाल के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। फरार हो चुके मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर पर 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है। ऐसी ही खामियों और वजहों को लेकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष के नेता सरकार और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि इनको छुपाने वाला कौन है? इनके छुपाने वाले वही लोग हैं, सोचिए जरा, जो इनके प्रवचन में आते थे,